तो हमारा देश ऐसा देश है जिस देश में बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर आज वही बेटी एक संन्यास दे दी जिसके ऊपर कोई बोलना नहीं चाहता है, ना देश की पार्टियां बोलना चाहती है ना देश के लोग बोलना चाहते हैं। सारी पार्टियां शांत है, सारी लोग शांत है। ये वो लड़की थी जो धरना पे दिल्ली में जाके बैठी थी, साक्षी मलिक, और इनके परिवार जाके बैठे थे ग्रेजुएशन के खिलाफ। वो बंदा के खिलाफ ना कोई पार्टी बोलना चाहता है, ना कोई लोग बोलना चाहते हैं, ना बीजेपी बोलना चाहती है। देखिए, मेरा एक चीज़ मानना रहता है कि स्पोर्ट में ना राजनीति नहीं जाना चाहिए। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जय शाह जहाँ बैठे हैं वहाँ उनकी कोई काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो आदमी होना चाहिए जो क्रिकेट से लेना देना हो। जिससे क्रिकेट से लेना देना नहीं है वैसे लोग जाके वहाँ पे बैठे हैं, जिससे कुश्ती से लेना देना नहीं है वो कुश्ती में जाके बैठे हैं, जिनको हॉकी से लेना देना नहीं है वो हॉकी में जाके बैठे हैं। तो या तो गेम ही खिला लेते हैं या उसका भी एक काम करते हैं, उसका भी चुनाव करवा लेते हैं देश में, सबसे बेटर रहेगा ना। जब हर जगह पॉलिटिशियन ही को बैठाना हमारे देश में, तो उसका भी चुनाव करा लेते हैं कि कौन सा पॉलिटिशियन बैठेगा कौन सा नहीं बैठेगा। आम जनता से क्या जरूरी है आपस में चुनाव करने का। वो लड़की क्या खराब बोल रही है? कुछ खराब नहीं बोल रही है मेरे हिसाब से। देखिए, बीजेपी कोई धुली हुई पार्टी नहीं है, मैं खुल के बोलता हूँ। हर पार्टी में कमी या खराबी होती है, उस पार्टी में भी कुछ कमियां हैं जो उसको तोपा जा रहा है, जिसमें से ये साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक का अगर कोई किसी चीज से प्रॉब्लम था तो बैठ के बात करके सोल्यूशन निकालना चाहिए था ना, कि वो लड़की आज जाके अपना संन्यास ले ली। एक तो ऐसे ही कुश्ती का बुरा हाल है देश में, अदर गेम का बुरा हाल है, उसमें से आप लोग गेम में राजनीति घुसा रहे हो, ऐसे ही फुटबॉल का हाल है। तो सोचने वाली बात है। जो वो लड़की है जो धरना पर बैठी थी जब, तो उससे उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, इतनी घटिया हरकतें हुई उसके साथ, ना धरना देने दिया गया ना उसको बोलने दिया गया। जब आज वो इतनी टॉर्चर हो गई तो आज संन्यास ले ली। जहाँ तक बात रहा बीरभूषण सिंह के खिलाफ, तो वो बंदा मुझे भी सही नहीं लगता, मैं आपको अपना राय देता हूँ। क्योंकि जब लड़की उससे मीडिया उससे इंटरव्यू लेने गई थी और उस दिन उसका जो हरकत था, उस दिन से वो बंदा मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि वो बंदा पॉलिटिशियन है ना कि कोई गेम रिलेटिव आदमी है। उनसे पॉलिटिशियन मुझे नहीं लगता कि गेम में जाना भी चाहिए। और क्या काम गेम में भाई। अभी एक खिलाड़ी था जी, नहीं पता वो खिलाड़ी का नाम नहीं पता है, मगर साक्षी मलिक के साथ ही रहते, उस बंदा का वो लोग यो टेस्ट ले रहे थे, तो वो बंदा को एक्सपायर किट से टेस्ट ले रहे थे। जब हम लोग सही जगह पर सही इंसान को नहीं बैठाएंगे तो एक्सपायरी किट से ना टेस्ट होगा। उनका लड़का तो है नहीं कहीं इसमें, उनकी फैमिली को कोई इंसान तो है नहीं। जब खुद की फैमिली रहती है तब समझ में आता है ना कि एक्सपायर किट से यो टेस्ट लेना चाहे किसी तरह का टेस्ट लेना किस तरह से होता है। मतलब हम किस तरफ अपने गेम को ले जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ हमारे मोदी जी आते हैं लंबा लंबा डायलॉग मारते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमारे देश के खिलाड़ी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मगर वो एक तरफ एक लड़की रो रही है, मगर उस पर बोलने के लिए मोदी जी के लिए 2 मिनट टाइम नहीं रहता है। मणिपुर में बोलने के लिए इनको 2 मिनट के लिए टाइम नहीं रहता है, वहाँ की लड़कियाँ के लिए बोलने के लिए। तो किस तरह का मुझे समझ में नहीं आता है कि फिर आप लोग आके बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, मुझे समझ में नहीं आती ये चीज़। बाकी आप ही लोग बताएं क्या ये चीज़ सही हो रहा है या गलत। बाकी अपनी राय को जरूर रखें। बाकी जय हिंद जय भारत।